देश भर में कई राज्यों में कोरोना का फिर से दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक संक्रमण होने के साथ ही नागपुर में भयावह स्थिति देखी जा रही है। कोरोना से निपटने के तमाम प्रयासों के बावजूद आंकड़ों में हो रही वृद्धि और प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों को लेकर गुरुवार को मनपा की सभा में वरिष्ठ नगर सेवक प्रवीण दटके द्वारा विषय को रखा गया। सदन के लिए उस समय बड़ा झटका रहा जब प्रशासन की ओर से सिटी में कोरोना का नया स्ट्रेन होने के कारण तेजी से स्प्रेडिंग होने का खुलासा किया गया। जवाब देते हुए अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने बताया कि प्रशासन ने मेयो के माध्यम से कुछ सैंपल NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे थे, जिसमें नया स्ट्रेन मिलने की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि पुराने वायरस का म्यूटेशन हुआ है, जिससे बड़ी तेजी से ये बढ़ रहा है। अतिरिक्त आयुक्त जोशी ने कहा कि बड़ी मात्रा में स्प्रेडिंग के कारण परिवार के परिवार एक साथ पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पहले के कोरोना वायरस में मरीजों को 5-5 दिन तक दवा की आवश्यकता नहीं थी, किंतु अब शीघ्र ही दवा की आवश्यकता पड़ती है। नए स्ट्रेन को लेकर WHO और अन्य से मिल रहे निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ा जा रहा है। लगातार बढ़ते मरीजों के आंकड़ों को देख 3 कोविड केयर सेंटर संचालित किए जा रहे। पाचपावली में 170, MLA हॉस्टल में 68 और VNIT सेंटर में 39 बाधित रखे गए हैं। इसके अलावा 23,879 होम आइसोलेशन में है, जिन पर नजर रखने के लिए 144 RRT टीमों का गठन किया गया। प्रत्येक टीम में कहीं 12 तो कहीं 14 कर्मचारियों को शामिल किया गया है। RRT टीमों का नर्सिंग स्टाफ बाधितों को स्वास्थ्य संबंध में सलाह देता है, जबकि अन्य लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में काम करते हैं। तो वही दयाशंकर तिवारी बोले, मनपा की सभा में प्रशासन पर टिप्पणी नहीं बल्कि कोरोना से निपटने के लिए सुधार पर चर्चा हुई। अब तक केवल 52% सफाई कर्मचारी को वैक्सीन लगाई गई, जिससे 48% को वैक्सीन लेने के लिए प्रशासन के कड़े निर्देश जारी करे। यदि सफाई कर्मचारी वैक्सीन नहीं लेता है तो उसे वर्तमान माह का पूरा वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देना है, जिसे वैक्सीन सेंटर बढ़ाना होगा। यदि मनपा के PSC सेंटर्स में चल रहे टेस्ट सेंटर को आसपास के समाज भवन आदि में स्थानांतरित किए जाए तो सर्व सुविधा युक्त PSC मुहैया कराए जा सकते हैं। इससे न केवल वैक्सीन के सेंटर्स बढ़ेंगे बल्कि वैक्सीनेशन में भी इजाफा होगा। नगर पालिका की आज आम सभा थी, तो शाम सभा में विषय पत्रिका, प्रश्नोत्तर, साथ ही साथ स्थगन प्रस्ताव, इन सभी पर विशेष चर्चा हुई। कोविड की वर्तमान स्थिति को लेकर के सम्माननीय सदस्य प्रवीण जी दटके, इनका स्थगन प्रस्ताव था। उस स्थगन प्रस्ताव पर उन्होंने अनेक प्रश्न खड़े किए इस शहर को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के। प्रशासन ने उसमें सकारात्मक उत्तर दिया और उसी सकारात्मक उत्तर से वे संतुष्ट हुए और कार्यक्रम महानगर पालिका जिस क्रियाकलाप को कोविड को लेकर के कर रही है उसमें और गति बढ़ाने का उन्होंने निवेदन किया। महापौर की हैसियत से इस में अनेक सदस्यों ने विशेष रूप से भाग लिया, जिसमें नव निर्वाचित सदस्यों से लेकर के शहर के सीनियर महानगर पालिका के सदस्यों तक सभी ने चर्चा में सहभाग लिया और उनके सभी सकारात्मक सुझावों को स्वीकृत करके आक्रामकता के साथ में महानगर पालिका ने अपनी कार्य प्रणाली में और सुधार करना चाहिए, इस प्रकार के निर्देश सभागृह के माध्यम से दिए गए। विशेष रूप से आने वाली 1 अप्रैल से नागपुर महानगर पालिका के 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे होने चाहिए जो 24 घंटे शुरू रहे, इस प्रकार के निर्देश दिए गए। महानगर पालिका के माध्यम से शहर में हॉस्पिटल में जो रिक्त बेड की व्यवस्था है उसकी जानकारी प्रतिदिन अखबार के माध्यम से लोगों को मिलाए, इस प्रकार के निर्देश दिए गए। जो पेशेंट घर में होम क्वारंटीन के रूप में है उन पर निगरानी रखने के लिए नगर सेवक भी कुछ व्यवस्था करे, उसका संचालन करने में महानगर पालिका को मदद करे, इस प्रकार के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ में जो पेशेंट होम क्वारंटाइन है उनके लिए औषधि देने के भी निर्देश हमने किए हैं। महानगर पालिका के विषय पत्रिका में एक विषय पानी की लाइन को लेकर के था, उस विषय को अगले सभागृह के लिए स्थगित रखा गया है। दूसरा विषय नागपुर महानगर पालिका में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के था, उसमें 4 अलग अलग सूचनाएं आई हैं, उन सूचनाओं के साथ में उसको मंजूरी प्रदान की गई। तीसरा विषय मेट्रो रेल कारपोरेशन को महानगर पालिका के माध्यम से फीडर बस सेवा उपलब्ध कराने का था, उसको भी मंजूरी प्रदान की गई है। एक विषय नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से मेट्रो रेल कारपोरेशन के लिए एयरपोर्ट पर बस चलाने के अलावा इलेक्ट्रिक बस उन्हें देने का निर्णय लिया गया, उसको भी महानगर पालिका ने अनुमति प्रदान की है।
इसी के साथ साथ महानगर पालिका की संपूर्ण बस सेवाओं का संचालन मेट्रो को देने का निर्णय था, उसको भी महानगर पालिका ने मंजूरी प्रदान की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।